दोस्तों सलार मूवी की वजह से प्रभास का कम बैक तो हो गया है कल की मूवी की तरफ, लेकिन वहां पर कल की मूवी में एक जो सीक्वेंस देखा जा रहा है, यानी कि ये यूनिवर्स की सबसे बड़ी मूवी, बॉलीवुड की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी मूवी होने वाली है ये। अभी तक जो सबसे बड़ी मूवी है उसको तो आप लोग जानते हैं, प्रभास की ही थी जो कि 600 करोड़ में बनी हुई थी, और ये बहुत बड़ी 600 करोड़ में थी। लेकिन वहीं पर कल्की की अगर बात कर रहे हैं, कल्की 700 करोड़ में बन रही है। 700 करोड़ में बनने इसने क्या जैसा दिखाया जाएगा पता नहीं। लेकिन वही बदकिस्मती से एक बात और हम कहेंगे यहीं पर, जैसे कि आदि पुरुष की बात कर रहे हैं, तो आदि पुरुष मूवी प्रभास की थी जो कि बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से फ्लॉप गई थी। सिर्फ 200-250 करोड़ में भाई अपना दम तोड़ दिया था, यानी जितना लगाया था उसका आधा भी नहीं कमा पाया था। वहीं पर कल की मूवी में 700 करोड़ लगाने का रीजन क्या है? प्रभास की मूवी है, देखो प्रभास की ये मूवी कल की जो है एक अच्छे ग्रोथ में, देखो डायरेक्टर्स के अच्छे हैं तो ये मूवी 100% ग्रोथ करने की क्षमता रखती है। लेकिन वहीं पर सलार मूवी बहुत अच्छी कमाई किया है, इस वजह से भी कुछ ज्यादा दबदबा बना है। कुछ मूवियां देखो फ्लॉप भी होती है बॉक्स ऑफिस में, कुछ मूवियां अच्छी भी चलती है, कुछ फ्लॉप भी होती है, ये चीज तो लगा ही रहता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा है, जैसे कि बाहुबली जैसी मूवी भी प्रभास ने दिया है, लेकिन इसके अगर हम बात करूं अगली मूवी की, तो जो हमें 2024 में देखने को मिलेगी, तो उसको हम बात करेंगे वेलकम मूवी। वेलकम मूवी की अगर बात करूं तो भाई वेलकम मूवी के भी कुछ बड़े अपने मुद्दे हैं। वेलकम मूवी भी भाई अगर चल गई तो चल गई, नहीं चली तो भाई ये भी अपना अमाउंट भी वापस नहीं ला सकती, क्योंकि बॉलीवुड के 70% हीरो हमें वेलकम मूवी में देखने को मिल जाए। पूरी तरह से हिंदी कॉमेडी ड्रामा मूवी है, और इसमें अक्षय कुमार से लेकर के टोटल हीरो कॉमेडी मूवी में इसमें वेलकम में इन्वॉल्व है। और इसमें अक्षय कुमार की अगर बात की जाए तो भाई अक्षय कुमार तो भाई कॉमेडी मूवी के लिए बिल्कुल पूरी तरह से प्रचलित ही है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो भाई अगली मूवी की बात हम करूं तीसरी मूवी की, तीसरी मूवी भी सिंघम अगैन। सिंघम अगैन भी बहुत ही अच्छी मूवी है, जिसमें कि हमें पहली बार अगर हम सिंघम अगैन जब देखा तो हमें सिर्फ और सिर्फ उसमें कौन कौन देखने को मिला था, ज्यादा हीरो ने सिर्फ और सिर्फ हमें अजय देवगन के द्वारा हमें सामने इसको प्रोड्यूस की गई थी। लेकिन इस बार हमें सिंघम अगैन में भी कुछ बड़े हीरो देखने को मिलेंगे, जैसे कि हमें देखने को मिले दीपिका पादुकोण, टाइगर श्रॉफ एंड रणबीर सिंह और अजय देवगन, ये भाई एक्टर भी हमें सिंघम अगैन में देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत बड़ा एक वर्म है और बहुत ही बड़े भूचाल के साथ ये मूवी बॉलीवुड में उतरने की ताकत रखती है। उसके बाद भाई हम बात करूं जो जुबा जुबा पर सबके मूवी है, वो है भाई पुष्पा। झुकेगा नहीं साला, सर कटा देगा लेकिन झुकेगा नहीं। पुष्पा में हमें टेलर में दिखाया गया है कि भाई पुष्पा गायब हो जाते हैं जंगल में, जो कि पुलिस की टीम और लोग गांव के पूरी तरह से पुष्पा को ढूंढने में लगे हैं। वहीं पर सामने से एक शेर आता है और शेर 2 कदम पीछे की ओर लेता है, तो भाई समझ जाओ कौन आया होगा। पुष्पा विवाह हो सकता है, जब शेर 2 कदम पीछे ले सकता है तो हो कौन सकता है, पुष्पा ही हो सकता है। इसलिए अल्लू अर्जुन के पुष्पा मूवी भी बहुत ही अच्छे अपने बम्फर कमाई करने की क्षमता रखती है, दावे करती है। और पुष्पा के जो सीक्वेंस है, मेन मुद्दे हैं, पुष्पा बहुत ही अच्छी कमाई करे। लेकिन वहीं पर हम लास्ट में आप लोगों को बता दूं, जैसे सलार मूवी है अभी तक 660 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस किया, जो कि 120 करोड़ में बनी हुई। वहीं पर डंकी की अगर बात करूं तो डंकी मूवी भी अच्छी कमाई करते हुए उसने भी कुछ अच्छी छाप छोड़ी, 500 करोड़ का अभी तक आंकड़ा क्रॉस किया है। आज 19 दिन बॉक्स ऑफिस में कंप्लीट होते, 19 दिन में इन्होंने बहुत ही अच्छी छाप छोड़ी है, अच्छी कमाई किया है, इसलिए दोनों मूवियां हिट हुई। अगर शाहरुख खान की बात करूं तो शाहरुख खान 2023 में जो कमाई किया, टोटल वर्ल्ड वाइड कमाई से लेकर इंडिया के नेट कलेक्शन तक 26 करोड़ की कमाई किया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। आप लोग क्या कहते हैं इस मूवी के बारे में, हमें छोटे से कमेंट अपनी राय जरूर लिखिएगा। मिलते हैं।